अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज के लेक्चर की तरफ। काउंटडाउन का लेक्चर है हमारा, यूनिट नंबर 8 है, पेरीमीटर एंड एरिया, एक्सरसाइज 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यूज़ द फॉर्मूला टू वर्क आउट द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर्स का एरिया फाइंड करना है। ऊपर आपने रेक्टेंगल्स का किया था, नीचे आपने स्क्वायर्स का करना है। स्क्वायर्स का एरिया फाइंड करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंथ बताई गई होगी। जैसा कि आपको पहले पता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एक अगर साइड की वैल्यू दी है तो इसके मतलब है कि बाकी चारों तीन जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू भी वही होगी। ये देखिए, ये हमारे पास स्क्वायर है और फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। अगर लेंथ 13 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब अगर एक की 13 सेंटीमीटर है तो बाकी चारों की भी 13 होगी। और अगर हम इसको लेंथ लें, इसको ब्रेड्थ लें, तो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, लेंथ 40 सेंटीमीटर है और बाकी जो है वो भी 40 सेंटीमीटर होगी, और लेंथ और ब्रेड्थ है तो दोनों को हमने लिया 40 सेंटीमीटर, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वन देखिए, लेंथ 17 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है ये 17 है, ये भी, ये भी, ये भी, तो इसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर होगी। ब्रेड्थ भी हम 17 सेंटीमीटर लेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट वन है, लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर एक लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो बाकी लेंथ भी 12 सेंटीमीटर होगी, और फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अगर एक को हम लेंथ लें, दूसरी को ब्रेड्थ लें, तो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह आपने बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर लेने हैं, और आपने इन सबको अपने होमवर्क कॉपीज पे भी करना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।